क्रिप्टो को लेकर जो इंडिया में हालात अभी बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बन रहे हैं। पहले क्या था कि क्रिप्टो को हमेशा एक गलत नजर से ही देखा जा रहा था कि क्रिप्टो बिल्कुल गलत है इंडिया के लिए, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इंडिया में धीरे धीरे सपोर्ट बढ़ रही है। जो ऑलरेडी आपने शायद ये सुन लिया होगा कि जो हाई कोर्ट है ओडिशा का, उन्होंने बताया कि क्रिप्टो इलीगल नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट आया है हमारी एक इंडियन स्टेट की तरफ से। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी काफ़ी सारे स्टेट्स इस तरीके से क्रिप्टो को सपोर्ट देना शुरू कर दें। और आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि कितना सेफ है क्रिप्टो इंडिया में, क्योंकि वजीरेक्स ने अभी एक नई प्रूफ ऑफ रिजर्व्स रिपोर्ट निकाली है। जनरली बाकी एक्सचेंजेस ऐसे रेगुलर अपडेट्स नहीं देती हैं, लेकिन वजीरेक्स जो अपने टाइमलाइन को फॉलो कर रहा है, रेगुलर बेसिस पर हमें अपडेट्स दे रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आई बिलीव कि वजीरेक्स फिर से अपना जो पैर है मार्केट में जमाएगा, यानी कि एज यूजुअल वजीरेक्स हमेशा टॉप एक्सचेंज ही रहने वाला इंडिया का। तो ये थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि क्या वजीरेक्स सेफ है या नहीं, क्या अगर आपकी क्रिप्टो करेंसीज या फिर आपका पैसा अगर वजीरेक्स के ऊपर पड़ा है तो क्या वो सेफ है या नहीं, इसका थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे। यहाँ पे कुछ व्यूज़ भी मिले हैं वजीरेक्स को लेकर और इनके प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को लेकर, और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स होता क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जिससे क्या कि आपको श्योरिटी मिलती है कि अगर आपने कोई भी कॉइन खरीदा और खरीद कर अगर आपने वजीरेक्स के ऊपर रखा हुआ है तो क्या वो सही है या नहीं। तो वीडियो पूरा देखते रहना। वॉल्फ ट्रेड पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाला है। तो वजीरेक्स की तरफ बढ़ने से पहले हम एक पॉजिटिव अपडेट की ही पहले बात कर लेते हैं। तो ओडिशा का जो हाई कोर्ट है उन्होंने रूल किया है दैट क्रिप्टोकरेंसी डीलिंग्स आर नॉट इलीगल अंडर इंडियन लॉ। तो ये हमें चीज़ पहले भी पता थी, लेकिन अगर हाई कोर्ट इस तरीके से बता देता है तो और भी ज़्यादा श्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि इंडिया ने ना तो इसको लीगल किया है ना ही इलीगल किया है। तो अगर इलीगल नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं अगर क्रिप्टोकरेंसीज में हमारी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं। तो यहाँ पे एक पॉन्जी स्कीम वाला स्कैम हुआ था जिसमें क्या है कि जस्टिस शशिकांता मिश्रा, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो मनी कंसीडर नहीं किया जाता, जो कि प्राइस इट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंडर इन्होंने बताया हुआ है। तो इन्होंने बोला कि वहाँ पे अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी डीलिंग्स ऑफेंसेस नहीं है, यानी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये क्राइम नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि ये इलीगल नहीं है अगर आप क्रिप्टो में डील करते हैं। तो जनरली अगर आपको MLM या फिर ऐसी पॉन्जी स्कीम्स मिलती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली स्कीम्स मिलती हैं, तो वहाँ पे अगर आप क्रिप्टो करेंसीज लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें क्रिप्टो करेंसीज की गलती नहीं है, यानी कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट गलत नहीं है, बल्कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी गलत हो सकती है जहाँ पे आपका पैसा गया है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड है। वो उनकी मर्जी है कि अगर वो आपका पैसा लेकर रखना चाहते हैं, आपको चीट करना चाहते हैं, कभी भी आपको पैसा वापस नहीं देना चाहते, तो उनकी अपनी मर्जी है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी कि येस वर्ल्ड टोकन के नाम से एक क्रिप्टो करेंसी आई मार्केट में, जो कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर लाएगी, यानी कि वहाँ पे एक्सेस मिली। जनरली ऐसे क्या होता है कि पैनकेक स्वैप के द्वारा उसको बाई किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है, और इसमें क्या है कि एडिशनल मेंबर्स जुड़े जाते हैं, यानी कि रेफरल बोनस के द्वारा क्या है कि एक्स्ट्रा बोनस दिए जाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स दिए जाती हैं, ROIs दिए जाते हैं, जिस चक्कर में क्या कि बहुत ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। और ये सेम चीज़ इसमें भी हुआ है। यहाँ पे कोर्ट ने क्या रूल किया कि हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड नहीं मिला है जिसमें क्या है कि कुछ गलत किया गया हो। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब दो चीज़ें हैं कि एक तो पॉन्जी स्कीम गलत है, ऑब्वियसली गलत है अगर आपका पैसा यहाँ से डूब रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज इलीगल नहीं है, ये भी क्लियरली हमें पता चल रहा है, जो कि हाई कोर्ट ने खुद बताया। तो यहाँ से हमें थोड़ी अच्छी क्लैरिटी मिल गई है। अभी हम बढ़ते हैं वजीरेक्स के ऊपर। तो अगर आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बाय या सेल करना चाह रहे हैं, या फिर सिर्फ बाय करके होल्ड करना चाह रहे हैं, लीगल वे में करना चाह रहे हैं, तो FIU अप्रूव्ड अगर कोई एक्सचेंज है, तो हमारी कुछ अच्छी एक्सचेंजेस हैं जिसमें मैं वजीरेक्स हमेशा अभी भी टॉप पे रखता हूँ, हालांकि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी हैं। तो वजीरेक्स के ऊपर आप क्रिप्टो करेंसी बाय करके रख सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वही आती है कि आपको टैक्स पे करना पड़ता है, TDS पे करना पड़ता है, आपका जो क्रिप्टो करेंसीज की ट्रैकिंग है वो प्रॉपर हो रही है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो ये चीज़ें तो हमेशा इसी तरीके से रहने ही वाली हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम अच्छे एक्सचेंजेस की बात करें, तो अच्छा एक्सचेंज वही होने वाला है जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पर हमें देता है। तो वजीरेक्स ने अभी पब्लिश किया अपना जून 2024 का प्रूफ ऑफ रिजर्व्स रिपोर्ट। ऐसा मान लो कि आधे साल का इन्होंने रिपोर्ट जनरेट कर दिया कि इनके पास जो अभी टोटल होल्डिंग्स हैं उनकी वैल्यू 4203 करोड़ रुपए की है। और ये जो पूरा स्टैट है coingover.com के ऊपर पूरा रिपोर्ट में दिया गया है। तो वजीरेक्स हमेशा से टॉप एक्सचेंज ही रहा है, इंडिया से लार्जेस्ट एक्सचेंज रहा है, चाहे वॉल्यूम की बात करी जाए, चाहे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की बात करी जाए। तो इन्होंने हमेशा अलग से एक प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी बनाया है। तो यहाँ पे 350 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, 700 से भी ज़्यादा मार्केट पेयर्स हैं। मार्केट पेयर्स का मतलब ऐसा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल BTC का पेयर USDT के साथ भी है, BTC का पेयर INR के साथ भी है, ऐसे और भी पेयर्स होते हैं। तो टोटल 700 पेयर्स हैं।
और इसी के साथ वजीरेक्स ये चीज़ भी यहाँ पे हमें देता है, अकाउंटेबिलिटी और हाई इंटरेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी, ताकि हमारे जो एसेट्स हैं वो हमेशा सिक्योर रहें। तो अगर हम 4203 करोड़ को अगर हम USDT में देखते हैं तो 503 मिलियन डॉलर बनते हैं, जो कि हम USDT में अभी काउंट कर रहे हैं। तो ये 10 जून की बात है, यानी कि आज से 5 दिन पहले इतना अमाउंट था। तो लगभग 80% का मार्केट सर्ज भी हमें देखने को मिला है वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर। तो लार्जेस्ट एक्सचेंज बाय रिजर्व्स वजीरेक्स आज भी है, जिसे क्या कि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड सॉल्वेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो जो वजीरेक्स के वाइस प्रेसिडेंट है राजा गोपाल मेनन, तो उन्होंने खुद बोला है कि ट्रस्ट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि क्रिप्टो करेंसीज में और एक्सचेंज के ऊपर अगर किसी का ट्रस्ट बना रहेगा तभी कोई क्रिप्टो करेंसीज को बाय करेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी भी बहुत से लोग डाउट करते हैं कि क्या क्रिप्टो सही है या नहीं, लेकिन आप अगर वजीरेक्स के ऊपर चलते हो तो आपको यहाँ पे 1:1 का रेशियो मिलने वाला है। अब ये चीज़ भी समझ लो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, रिजर्व टू लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपने एक बिटकॉइन बाय करके एक्सचेंज के ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसा मान लो कि वो एक्सचेंज के पास सच में एक बिटकॉइन अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिख रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर, इवन बैंक्स के ऊपर, हमारे जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है वहाँ पे भी पैसा दिखाया जाता है लेकिन उतना अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व टू लाइबिलिटीज़ का 1:1 का रेशियो रहेगा, जिससे क्या प्रूव होता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इस एक्सचेंज की। और अगर सडनली कोई एक दिन में पूरा पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो उनको पूरा विड्रॉल भी मिलेगा। और उससे ऊपर बड़ी चीज़ ये भी आ जाती है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU के साथ रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, तो जिससे क्या है कि ये कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स उससे ऊपर आ जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे क्या है कि हम ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं इस एक्सचेंज के ऊपर। एंड डेफिनेटली इसका जो असर पड़ने वाला है वो WRX के ऊपर भी दिखेगा हमें, कि WRX के प्राइस में आने वाले दिनों के अंदर हमें एक सर्च देखने को मिल सकता है, जो अभी लगभग 16-18 डॉलर के आसपास चलता रहता है। तो मैं अभी भी वेट करता हूँ कि ये ऐसा समय आएगा जब ये 50 से लेकर 100 रुपये तक पहुँचेगा। अब हम क्लैरिटी के लिए थोड़ा चलते हैं coingecko.com के ऊपर। इस एक्सचेंज का जो लिंक बना हुआ है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का, या वहाँ पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑल होल्डिंग्स कितनी है, 470 मिलियन USDT की, एक्सचेंज के ऊपर 17 मिलियन USDT की, और ब्लॉकचेन के ऊपर 453 मिलियन डॉलर की। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगी। ऑल होल्डिंग्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप BTC 1233 की क्वांटिटी है, और इनके रेट के हिसाब से यहाँ पे टोटल बन रहा है 81.2 मिलियन डॉलर। तो होल्डिंग्स यहाँ बन रही है लगभग 17-18% की। अगर हम यहाँ पे बाकी कॉइन्स देखते हैं तो वो भी सारी डिटेल दी ही गई है, लेकिन अगर एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, एग्जांपल फिर से BTC के ले लेते हैं जो टॉप है, 107 की क्वांटिटी है, यहाँ पे $66,000 के हिसाब से 7 मिलियन डॉलर के BTC एक्सचेंज के पास हैं। तो ये लगभग 41% होल्डिंग्स बन रही हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो कि एक्सचेंज के ऊपर आपको कितने भी जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे, पूरी लिस्ट, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट पड़ा है और परसेंटेज कितनी है। तो 348 कॉइन्स यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो इनका कहना यह कि लगभग 350 कॉइन्स इनके पास हैं। तो सारे रिजर्व्स अगर कोई भी एक्सचेंज दिखा रहा है तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग रहती है, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देता। लेकिन एक चीज़ मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व्स वहाँ पे अप्रूव कर देते हैं कि हमारा प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का डेटा यहाँ पे पड़ा है, तो वजीरेक्स के ऊपर डेफिनेटली और भी ज़्यादा यूजर्स आने वाले हैं। एंड हाँ, ऑब्वियसली TDS तो इसी तरीके से रहने वाला है, जो हमारे लिए हमेशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपका क्या मानना है वजीरेक्स के बारे में, WRX के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और एक्सचेंज के बारे में या फिर किसी भी कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर एनालिसिस चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल WarFit को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।